नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरूज ने किया माफी का प्रार्थ गोष्ठी और छठ पूजा को शांति ढंग से मनाने को लेकर की सभी थानेदारों के साथ बैठक। भागलपुर नवगछिया में पंचायत चुनाव सम्पन्न हुआ है, लेकिन इसकी मतगणना नहीं हो पाई है। अभी भी कई क्षेत्र संदिग्ध है। साथ ही साथ आस्था का पर्व छठ पर्व हर घर में मनाया जाता है। इसी को लेकर आज नवगछिया में पुलिस लाइन में नवगछिया एस पी सुशांत कुमार सरूज ने किया मासिक अपराध गोष्ठी, जिसमें उन्होंने छठ पूजा और होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर थानेदारों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आम लोगों से मसालेदार शराब और महुआ शराब के साथ देशी और विदेशी शराब नहीं पीने और नहीं बेचने की अपील की। बैठक का मुख्य उद्देश्य शांति और सौहार्द के साथ छठ पर्व सभी लोग मनाए और शराब मुक्त बिहार बनाए। साथ ही साथ पंचायत चुनाव में जो भी आपस में मनमुटाव हो उसे दूर कर शांति स्थापित करें, जैसे विषयों पर बैठक की। लाइव समाचार से भागलपुर से राजीव कुमार रंजन की रिपोर्ट। अभी देखिए सामने मेरा छठ पूजा है तो चर्चा उस पर हुई। अभी दो चुनाव मेरा दो फिर बचा हुआ है, चर्चा उस पर हुई। और जो हम लोग प्रत्येक क्राइम मीटिंग में चर्चा करते हैं कांड के निष्पादन के बारे में, उसका लक्ष्य देते हैं, या फिर जो वारंटी है उनका गिरफ्तारी को लेकर के, या जो कांड में वांछित है उनका गिरफ्तारी को लेकर के, और अन्य से बातें जैसे डोसर्स खोलना, गुंडा पंजी में उसका एंट्री करवाना या फरारी का करवाना, या फिर जो वाहन फाइन होता है या जो मास्क फाइन होता है, हम लोग सीधे वो रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि कौन थाना प्रभारी अच्छा कर रहा है। जो अच्छा करते हैं तो उसको लोग रिवार्ड भी देते हैं, जो अच्छा नहीं करते हैं उससे पूछते भी हैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, या कोई केस जो डिटेक्शन नहीं हो पाया क्यों नहीं हो। देखिए लगभग हम लोग जितने साहब हमारे साथ में थे और हमारे साथ में थाना प्रभारी थे, निरीक्षण किया भी है और निर्देश भी दिया है कि बैरिकेडिंग करने के लिए और प्रतीक कुछ चिन्ह लगाने के लिए, क्योंकि आगे गहरा पानी है, फ्लैश लगेगा ना, ताकि लोग अवेयर हो जाए। उन्होंने थाना प्रभारी को मैंने कहा कि माइकिंग भी करवाइए और मीडिया भी डालिए कि फलाना फलाना घाट जो है खतरनाक घाट है, वहाँ पर छठ पूजा नहीं होनी चाहिए, वहाँ लोग फ्लैश भी लगवाएंगे। उसके अलावा फिर घाट के प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो, माइकिंग की अच्छी व्यवस्था हो, फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, प्लस ट्रैफिक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। खास करके जो अपना जो महादेवपुर घाट है वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, उन्होंने तो काफ़ी बल का हमने प्रतिनियुक्ति किया है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग इस मामले में लगातार लोग सजग रहे ना और गंभीर भी रहे और हम लोग बराबर रेड भी करते हैं और कई उपलब्धियां भी हुई हैं। इधर भी हाल फिलहाल देखेंगे तो अब रंगरा में, फिर गोपालपुर में, फिर खड़ीक में, फिर बीपुर में भी इस भट्टी को विनष्ट किया गया है और अभी काफ़ी मतलब बरामदगी भी हुआ है, अरेस्टिंग भी हुआ है। हम लोग काफ़ी हम लोग गंभीर हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो घटना ना हो और गिरफ्तारियाँ भी हो, बरामदगियाँ भी हो। देखिए वो सभी एक इकाई है, चौकीदार से लेके जिला के एसपी तक वो एक है, वो भी एक बिहार ग्रामीण पुलिस है, वो भी मेरा पुलिस का अंग है। जो मेरा काम वो उसका काम, वो सब एक टीम में काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं। वो चूंकि लोकल है, उन्हें जो जानकारी रहता है हम उससे जानकारी लेते हैं, उसका हम सत्यापन करते हैं, एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़ी और गलत चीज तो आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।